गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइज, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, विच इज़ छोले की सब्जी चावल के साथ और थोड़े से ओट्स और ब्रेड एंड पीनट्स। अभी मैं एडिटिंग कर रहा था, हिमांशा मेरे को मेरा वीडियो दिखा रहा है। मैं सो रहा था और हिमांशा ने मेरा वीडियो बना लिया। मतलब मैं कब सो गया मुझे पता नहीं लगा। सो गाइज, मैं लेने के लिए जा रहा हूँ जिनसे काम कराना है घर पे। ग्रिल्स होती हैं खिड़कियों पे, वो लगानी है। और अभी हिमांशा भैया कार को ला रहा है बैक करके, क्योंकि मम्मी ने वैक्यूम क्लीनर निकाल दिया है, काफ़ी टाइम से अंदर पड़ा हुआ था, तो वैक्यूम क्लीनर से इसको साफ कर देंगे। पीछे सीमेंट लगे थे तो पूरी गंदी हो गई है कार। मम्मी जी पूजा कर रही हैं, अगर उनके उन्हें पता लग गया ना कार में ले जा रहे हैं बोरियाँ, तो हमारी हालत बुरी कर देंगे। चलते हैं। बैग लेके आ रहे हैं ना, तो शायद ठीक से नहीं आ पा रहे भैया। हाँ, सीधा थोड़ा सा इस तरफ। वहाँ मैं लगाता हूँ, उसके बाद मैं लेके आता हूँ बंदे को, ग्रिल वाले को, है ना? ठीक है, ऑन पीछे कर। तो हमने गाड़ी भी पीछे अच्छी तरह लगा दी है, आगे तक कलर कर देता हूँ बस। हाँ बस ठीक है। अब इसके अंदर की हालत गंदी हो गई ना, सच में गलती कर दी सीमेंट ले जाके इसके अंदर। अभी वो सब तो हटा दिया है, ये पूरा गंदा हो गया और ये पूरा सीमेंट लग गया है यहाँ पे। पहुँचना पड़ेगा, आप वैक्यूम क्लीनर लगाते हो ना डायरेक्ट? नहीं नहीं, वो वैक्यूम क्लीनर और खराब हो जाएगा। खराब थोड़ी होता है, पहले कपड़े से पहुँचो। सूखे से? हाँ, नहीं गीले से। फिर तो चिपक जाएगा सीमेंट। चिपक जाएगा जल्दबाजी में था मैं, पता नहीं कि मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अभी भी नहीं मिलेगा बंदा। 10 दिन तो मेरे को 10 दिन से ज्यादा ही हो गया एक्चुअली बोलते बोलते कि वो बंद लगाना है। अब देखते हैं आज मिलते हैं कि नहीं मिलते। नहीं, शायद अभी भी नहीं है वो। ओ भैया नहीं आए आज, वो कल आएंगे। हम तो गए नहीं, हमने भैया। हाँ, छोटे बड़े भाई के अलावा। हाँ, छोटा भाई अधूरा। चल चल। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यार ब्लैक मार्क लगा करना बेहतर। So guys, गाड़ी तो धोएंगे बाद में, अभी जिम के लिए निकलता हूँ, लेट हो गया हूँ। जिम डन, चलते हैं अब घर पे। और एक चीज मैं बताना भूल गया, जो भैया का कल फोन मिला नहीं था वो मिल गया सुबह सुबह, वो डेरी पे रह गया था दूध की। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। सो गाइस, कल मैं जिम में वेट ऐसा उठाया कि मेरा कंधा चला गया। सो गाइस, मेरा कंधा दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे भाई, डैडी की आवाज भी आ गई तगड़ी वाली है। हाय डैडी, क्या चीज नहीं जो आपने अभी फुकार मारी है ना डैडी? पता नहीं क्या हो गया, मेरे मसल ना शोल्डर डिसलोकेट हो गया ऐसा लग रहा है। मारो रे भी जल्दी मारो। और हैवी हैवी नहीं मारेंगे तो बॉडी कैसे बनेगी? तेरी बॉडी कैसे क्या फैली ना तुम्हारी। कल शाम से मेरे को ना सिर्फ बहुत दर्द हो रहा है। चक्कर क्या, कल मैंने डंबल लिया था बेंच प्रेस पे, लिया तो डंबल ऐसे हल्का सा ना डिसबैलेंस हो गया, तो मेरे को उधर ही छोड़ देना चाहिए था। मैं लेट छोड़ा तो मैं ट्विस्ट हो गया, मेरी शोल्डर ट्विस्ट हो गया और अब ये पेन कर रहा है। आज मैं सोचा आज मैं रेस्ट करूँगा, फिर मैं सोचा कि कुछ नहीं तो कार्डियो करके आया था, तो अभी कार्डियो करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा वॉकिंग करूँगा ट्रेडमिल पर, थोड़े से सिटअप्स भी लगा लूँगा। तो जिम डन, शोल्डर का पेन का मैंने पूछा तो हमारे कोच हैं जो, उन्होंने सलाह दिया कि ये तो एक्सरसाइज लगाने से ही हटेगा दर्द, बाकी अपना मूव या वॉलिनी का स्प्रे मार के ना तब एक्सरसाइज कर लिया करो, दर्द तो रहेगा। अभी दर्द के चक्कर में मैंने आज वर्कआउट नहीं किया, बैक वर्कआउट था। और आज मैं जो मैं एक्स्ट्रा टी शर्ट लाता हूँ एक जिम में चेंज करने के लिए, इसी में पूरा ना स्वेटिंग हो रखी है इस टी शर्ट में, हवा लगती है ठंडा ठंडा लगता है, तो कहीं बीमार ना हो जाओ डर लगता है।
अब आज भूल गया तो अब ठंडी लग रही है मेरे को, कोई नहीं अब तो घर जा रहा हूँ। सो अभी मैं अपना जो शोल्डर है उसकी मसाज करूँगा थोड़ी देर ऑयल से, फिर मैं नहा लूँगा। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब इससे ऊपर इतना ऊपर जान के दर्द हो रहा है। और करेगा उठाएगा भारी? वेट मैं क्या करें यार, क्या जरूरत है बेटा, जिस लायक नहीं है वो चीज क्यों कर रहा है? बॉडी बिल्डर बुढ़ापे में पकड़ देता हूं मैं लायक हूं बेटा, तुम्हें नहीं पता उसको इतना वजन नहीं वो कर पाएगा तो फिर क्यों कर रहे? कर लूंगा नहीं जबरदस्त, अरे कर लूंगा उसी का दर्द है। कोई बात नहीं। सो गाइस इरा ब्रेड मूंगफलियाँ सब्जी। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आवाज़ आ रही होगी, आप बाहर जगराता चल रहा है, हम जगराते ही है तो जगराता चल रहा है बाहर, कोई किसी को इनवाइट किया नहीं, फिर भी देखो देखा फिर भी माथा टेक के आ जाएंगे। सो गाइस ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, यहाँ से गाँव जाऊँगा तो थोड़ा ट्रैवलिंग होगी, तब और ज़्यादा ब्लॉग आ पाएंगे और बड़ा ब्लॉग आ पाएगा और अच्छा ब्लॉग आ पाएगा। सो आज ब्लॉग बस इतना ही, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय। सो रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है क्योंकि हमें माता के जगराते में गाने सुन के जोश आ गया, पता नहीं क्या हो गया मेरा मसल ना, तो कल शाम से मेरे को ना सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।